मेरे पास ये नंबर था, मैंने देखना चाह रहा था मैं किसका है ये। उसमें लिखा होगा कि किसका है, आप यही पढ़ें लिखा सही। है, लिखा उसमें ये नंबर जो है नहीं मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश का नंबर है, है। अच्छा ये जो कि ठीक राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं क्राइम फ्री भारत के, है। ये जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। आप अच्छा आपका जी, परिचय क्या है जी? मेरा परिचय, मैं जिला मथुरा का रहने वाला हूँ, आर्मी एक्समैन हूँ। एक्स आर्मी मैन है। हाँ, हैं? एक्स आर्मी मैन है। हाँ, एक्स आर्मी हूँ किस पद से मैं। हाँ रिटायर हुए हैं, कब रिटायर हुए हैं आप? मैं 97 में एक्समैन बना हूँ। अच्छा, किस पद नाइक से से, रिटायर हुए हैं आप? नाइक से। नायक पद से रिटायर हुए। अभी क्या करते हैं आप? 97 से इतना लंबा समय हो गया है, 26 साल हो गए हैं, 26 साल से आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं सर ये कोई सिक्योरिटी ड्यूटी वगैरह मिल जाती है उसको करता हूँ। अच्छा, मतलब स्थाई नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई मिल जाता है तो जाते हैं। हाँ, कोई ऐसे ही किसी से खबर मिलती है, सूचना तो चला जाता हूँ। अच्छा, लेकिन आपको इतने अनुभव के बाद कोई स्थायी ड्यूटी नहीं मिल पाई है। स्थाई ड्यूटी तो मिलती नहीं, सिक्योरिटी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो वहां से खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके ठेकेदारों तो आप अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? के। हाँ बिल्कुल, चाहिए भविष्य अच्छा ही चाहिए। तो अभी तक तो आपके दुष्ट राजनेताओं ने ऐसा किया नहीं है। आपको ये जानकारी शायद हो या ना हो कि जब अंग्रेज बेहद ही डरे थे और उन्होंने देश से भागने का एक एग्जिट प्लान बनाया था, उस समय हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों की ही शर्त पर देश का हस्तांतरण और देश का हाँ विभाजन स्वीकार किया, जी सर, और उस विभाजन के समय भी कोई सतर्कता नहीं बरती जिससे 20 लाख लोग मारे गए। जब 1940 में डायरेक्ट एक्शन डे में दुष्ट लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में हत्याएं, बलात्कार और धर्मांतरण कराया था, तो एक दूध पीते बच्चे को भी समझ में आना चाहिए था कि ये देश का विभाजन होगा, तब ये क्या दुर्गति करेंगे। आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो बिल्कुल आना चाहिए फिर इन दुष्ट राजनेताओं ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं लगाई, कोई प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाया, कोई सिक्योरिटी का आदेश क्यों नहीं निकाला? यदि इनके पास बल की कमी हो रही थी तो इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्टूडेंट थे, सभी को लगाया जा सकता था कि नहीं लगाया जा सकता था? फिर सर, बिल्कुल लगाया जा सकता क्यों नहीं लगाया गया? है। इसका क्या बताएं अभी। इस देश की जनता ने, जो अपने आप को इतना विद्वान मानती है, उसने कभी इन दुष्ट राजनेताओं से पूछने की कोशिश नहीं की? आप ये बताइए, इस देश में संविधान ने सभी नागरिकों को समान पैदा किया है, लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं ने जाति और धर्म के आधार पर आप बांट कर अपना उल्लू सीधा किया है, क्या यह संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं है? तो उल्लंघन फिर हमारे जो विद्वान लोग, जो अपने आप को विद्वत्ता का बखान करते नहीं थकते हैं, इन विद्वान लोगों को कुछ समझ में नहीं आया? इन दुष्टों को अपने आप को विद्वान कहने में लज्जा नहीं आई? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इस देश का इतिहास बदल दिया गया, और जिन्होंने इतिहास, देश का इतिहास बदलने के षड्यंत्र में अपनी भूमिका निभाई, उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया और सभी समितियों में उनको ही रख दिया, जिससे इस देश में सही तथ्य सामने ही नहीं आ पाए, ढेर सारी किताबें छप नहीं पाई, जो छप गई वो पब्लिक के ज्ञान में नहीं आ पाई। ये इन विद्वानों को गलत इतिहास लिखने के लिए, यदि वे परलोक धाम भी चले गए हैं, तो आज उनकी भर्त्सना हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना करना चाहिए बिल्कुल। चाहिए। और इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों से समझौता करते हुए अपने देशवासियों पर अंग्रेजों के वही घृणित कानून थोप दिए जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाए थे। आज आपके अधिकांश कानून उसी समय के हैं। उसी समय के आपका पुलिस, आपको मालूम है 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, आपकी आईपीसी 1860 की है, आपके जो है इविडेंस एक्ट 1872 का है। तो इन दुष्ट राजनेताओं ने ऐसे नियम कानून जो इस देशवासियों को क्रश करने के लिए बनाए थे, वही अपने देशवासियों पे थोप दिए। इन्हें लज्जा आना चाहिए अपने कृत्य पे, नहीं आना चाहिए?
आना चाहिए सब। और 75 सालों के बावजूद भी अभी आप जो है ना, आपको जो है ना फ्री भी बांटेंगे, ये बांटेंगे, 1000 रुपए दे देंगे, ये जो दुष्ट व्यवस्था है कानून जो है, इसको बदलने की बात क्यों नहीं कहते हैं? ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप जैसे ही लोग करवाएंगे इसको। हम तो एक यूँ कहते हैं कि आर्मी में भी बंधन ऐसा था, आर्मी से आने की अब आप उस बंधन से मुक्त हुए, आपको टोटल 26 साल हो गए हैं, आप उस बंधन से बाहर आइए, नए उसमें जो है भूमिका स्वीकार करिए, अपने आसपास के लोगों को जोड़िए, 21 विधाओं के तहत जो है छात्रों को, युवाओं को, शिक्षकों को, किसानों को, पंच सरपंच को, इवन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, व्यापारियों को, हाथ ठेले वालों को, मजदूर को, सिलम एरिया में रहने वाले गरीब नारायणों को, ऐसे सभी लोगों को जोड़कर 21 विधाओं के तहत इनको जोड़ना है। और हर विधा में हमें राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, संसदीय क्षेत्र स्तर, विधायक स्तर, उपसंभाग स्तर, ब्लॉक स्तर, शहर स्तर, मोहल्ला स्तर, गांव स्तर और पोलिंग बूथ स्तर, इतने स्तर बनाना है। और हर स्तर पर अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 10 सहायक उपाध्यक्ष और 21 जो है कार्यकारिणी के समिति के सदस्यों को अपन को नामांकित करना है। और इन लोग जो जिनको जानते हैं इन विधाओं में, उनसे बातचीत करना है, उनको पद देना है और उनको लोगों को जोड़ने के लिए बनाना है। आप क्या क्राइम फ्री भारत के ऐप से जुड़े हुए हैं? क्राइम फ्री से तो नहीं जुड़ा हूँ सर, मैं तो हिंदू राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको क्राइम फ्री भारत मिशन की लिंक दे रहा हूँ, उससे आप जुड़िए। आप सोचिए कि आप किस जिम्मेवारी में फिट हो रहे हैं, उस जिम्मेवारी के लिए आप मनन करिए। यदि आप फील करते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा है, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा इतिहास चाहते हैं, अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइए। और इसमें जोड़ने के लिए भी ताज भी आपके सिर पर है। तो जो एक व्यक्ति को जोड़ेगा उसे हम मोहल्ला अधिकारी का पद देते हैं, जो 3 को जोड़ेगा उसे टाउन अधिकारी, जो 5 को जोड़ेगा उसे ब्लॉक अधिकारी, जो 10 को जोड़ेगा उसे जिला अधिकारी, जो 50 को जोड़ेगा उसे राज्य अधिकारी, जो 100 को जोड़ेगा उसे राष्ट्रीय अधिकारी का पद देते हैं। और राष्ट्रीय अधिकारी 100 लोगों को जोड़ने के बाद फिर उसकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। और ये चंद्रगुप्त कौन है? जो जिस दिन चुनाव घोषणा होगी उस दिन जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले लोग होंगे, जैसे आप मथुरा के हैं तो आप उत्तर प्रदेश के हुए, तो उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, लिहाजा उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 403 लोगों की मेरिट लिस्ट होगी। ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले प्रदेश में 403 लोग होंगे, उनके पास क्राइम फ्री भारत का जो है रिप्रेजेंटेटिव पहुंचेगा और एक फ्रेम किया हुआ चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और दूसरे जीव से निकाल के विधायक का टिकट दे देगा। और आप ये देखिए, विधायक का टिकट मिलने के बाद, नामांकन भरने के बाद भी आपको ना किसी के सामने जाके वोट मांगना है, ना अपना प्रचार करना है, ना अपना प्रसार करना है। आपको लगातार यही कहना है कि क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों के साथ आपको परिवर्तित महाभारत चाहिए क्या? यदि परिवर्तित महाभारत चाहिए तो जुड़ जाइए, राइट। और जो जुड़ेगा उसकी सदस्य की शपथ में क्या लिखा हुआ है? उसके तीसरा पैरा है कि मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त को जीतने का संकल्प करूंगा। तो आपने अपना नाम क्या बताया था? शिव सिंह। शिव सिंह। तो मिस्टर शिव सिंह, यदि मान लें कि आप जो है 403 लोगों में आ गए, तो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल गया और विधायक का टिकट मिल गया, राइट। तो जो आपके क्षेत्र के लोग होंगे वो छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे शिव सिंह मेरा चंद्रगुप्त है, मैं उसे संकल्प से विजयी बनाऊंगा। इसको सुन के पड़ोसी जो है वो जागृत होंगे कि नहीं होंगे, उनमें उत्सुकता होगी कि नहीं होगी, ये जानने की कि ये कर क्या रहे हैं आप लोग, वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? नहीं बिल्कुल पूछेंगे। तो जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि अपराध मुक्त भारत मिशन 21 लक्ष्यों के साथ गुलामों के नियम कानून इस व्यवस्था को पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील बनाते हुए यदि कोई व्यक्ति, ओहदों पर बैठे हुए व्यक्ति यदि गलत निर्णय लेते हैं या विलंब से निर्णय लेते हैं, तो उन्हें बड़ी मात्रा में जो है
भरपाई देना होगी, कंपनसेशन देना होगा, क्षतिपूर्ति देना होगी जो कि लखों में होगी, जो उनके औकात के बाहर होगी। जो विभागों में बैठे लोग हैं, जो अभी उन्होंने अपने कनिष्ठ लोगों को गुलाम बना के रखा है, जो नियम कानून में जो उनके चाहे कितने घटिया आदेश के होना उनको मानने के लिए आप विवश हैं, यदि वहां पर आपकी एसीआर ये वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता ना लिखकर यह आपकी एसीआर आपके काम से एक्सट्रैक्ट की जाए और उसको परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट करते हुए उसी के आधार पर आपको पदोन्नति और पदस्थापना मिलेगी, तो आपकी गुलामी दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं, आपकी गुलामी दूर होगी कि नहीं होगी? नायक साहब बताइए। बिल्कुल साहब, होगी जब होगी। करेक्ट। और यदि कंडक्ट रूल में यह भी लिख दिया जाए कि यदि आप ऊपर वाला गलत निर्णय लेता है तो आपके कंडक्ट रूल के तहत आपकी ये जिम्मेवारी होगी कि आप उसे रिव्यू के लिए लिखें, और यदि आप रिव्यू के लिए कारण सहित लिखते हैं और आपके ऊपर ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति किसी कारण से निहित स्वार्थ से या दबाव में गलत निर्णय लेते हैं तो उनके गलत निर्णय को मानने के लिए आप बाध्य रहेंगे। लेकिन ये ऐसे सभी निर्णय जिसमें रिव्यू लिखा गया है, रिव्यू के लिए अनुरोध किया गया है और जहां निर्णय नहीं बदला गया है, वो सब एक कमीशन के पास जाएंगे। जब इन दूसरे अधिकारियों का पाप का गड़ा भर जाएगा, से 100 केस हो गए ऐसे, और जब उनको तलब किया जाएगा और यदि वो अपने निर्णय का उचित आधार नहीं बता पाएंगे और उनकी नौकरी जाएगी, तो ये क्या आगे चल के ऐसी दुष्टता को जारी रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। करेक्ट। तो आपको परिवर्तित भारत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, जब ऐसा हो जाएगा तो होगा ही परिवर्तन। तो ये सब कुछ किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। आप लोगों को जोड़ रहे हैं, आप लोगों को जिम्मेवारी दे रहे हैं, आप उन सब जगह जा रहे हैं, अपने ही अपने से जुड़े लोगों को जोड़ रहे हैं, और मेरिट लिस्ट में आकर ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, विधायक भी आप बन रहे हैं, और यदि यदि ज्यादा मेहनत कर दी और नंबर वन पे आ गए तो आदित्यनाथ योगी की जगह नायक शिव सिंह आप खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और जिम्मेवारी आपके पीछे खड़े हुए चाणक्य मैथिली शरण गुप्त की होगी। ऐसा महापरिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप मेहनत करिए और जुड़िए। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ SMS से, उसको डाउनलोड करके दूसरी ब्रीफिंग के लिए आप मुझे दोबारा जब फोन करेंगे तो मैं आपको दूसरी ब्रीफिंग दूंगा, आपको पद भी दूंगा और आपको दायित्व को देते हुए आपके आसपास के लोगों को जोड़ना होगा। क्या इस महाकार्य के लिए आप तैयार हैं? तैयार हूँ साहब, बिल्कुल तैयार हैं। आप अपने आसपास के लोगों को, अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये अपराध मुक्त भारत होना चाहिए, एक अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, निरोगी, दीर्घायु, समृद्ध, कर मुक्त, कर्ज मुक्त भारत आपको मिलेगा। लिहाजा जो है नायक शिव सिंह जी के अनुरोध को ध्यान दीजिए, आप जो है स्वयं जुड़िए, पदी जिम्मेवारी स्वीकार करिए और अपने आसपास के लोगों को जोड़कर इन राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।